जब ऑलराउंडर अश्विन ने दूसरी पारी में दमदार शतक जमाए तो दूसरे छोर पर 11वें क्रम के बल्लेबाज सिराज मुट्ठी बांधकर हवा में पंच करते दिख रहे थे। अश्विन ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के बाद कहा कि दरअसल यह भारतीय ड्रेसिंग रूम के माहौल का असर है, जहां एक दूसरे की कामयाबी पर जश्न मनाते हैं। 8वें क्रम पर उतरकर टर्निंग ट्रैक पर शतकीय पारी खेलना वाकई बड़ी बात है, और अश्विन ने अपने घरेलू मैदान में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन ऐसा ही दिखाया। उनकी 148 गेंदों पर 106 रन की पारी की बदौलत भारत दूसरी पारी में 286 रन बनाने में सफल रहा। पहली पारी में 195 रन की बढ़त मिलाकर भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 482 रनों का लक्ष्य रखा है। जवाब में इंग्लैंड ने 53 रन पर 3 विकेट गंवा दिए हैं। मेहमान टीम अभी 429 रन दूर है, लेकिन पिच पर जैसा टर्न दिखाई दे रहा है उससे भारत की जीत ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही है। इंग्लैंड के लिए शेष 2 दिन में मैच बचाना किसी चमत्कार से कम नहीं है।